हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक समथिंग टेस्टी में। जहाँ पे फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। अगर आप लोगों के घर में आटा बच जाता है और आप लोग सोचते हैं इससे क्या बना, वैसे तो रोटी हमेशा बनी जाती है, लेकिन अगर अक्सर भूख लग जाए बैठे बैठे और क्या मन करता है कि कुछ बना करके खाए, तो सबसे ईजी और टेस्टी वाला नाश्ता हम बनाएंगे फ्रेंड्स। और ये बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हो और बिना फ्राई करे भी आप इसको खा सकते हो फ्रेंड्स। और ये बहुत आसान है, हेल्दी है और बच्चों को तो खास करके पसंद आने वाला। आप इसे टिफिन में भी पैक करके दे सकते हैं अपने बच्चे को फ्रेंड। तो चलिए हम इस टेस्टी से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आलू को उबाल लिया था, मेरे पास छोटे छोटे आलू थे। अगर आप बड़े आलू लेंगे तो दो आलू काफ़ी होंगे। उसके बाद बारीक कटे हुए प्याज इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। फिर यहाँ पे मैंने देखिए बारीक बारीक अदरक कट कर ली थी, वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। उसके बाद बारीक कटे हुआ हरा धनिया, यहाँ पर एक मिर्च मैंने डाली थी, थोड़ा कम तीखा मैंने इसको बनाया था। यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया था हमने। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे थोड़ी सी हल्दी ताकि कलर भी अच्छा आए इसका। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मैगी मसाला डाला था फ्रेंड्स। आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हो जो भी आपको पसंद है, आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इसको देखिए इस तरीके से मैश करके अच्छे से अपने मसालों को उसके अंदर मिला लेंगे। और ये अच्छे से मिलने के बाद देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके का होकर काफ़ी, मतलब टेस्ट करके देख लीजिए, कोई भी चीज़ आपको कम या ज़्यादा लगती है अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हो। तो देखिए हमारा जो इसका मिश्रण था वो बन के तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर एक जो हमारी बचा हुआ आटा था फ्रेंड्स उसका एक पेड़ा बना लेंगे। और इस तरीके से करते हुए फ्रेंड्स हमें इसकी एक रोटी सी बेल लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने इसकी एक रोटी बना ली है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे बीच में से कट। तो फ्रेंड्स आटा ना हमारे यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा, हम खाते ज़्यादा बारीक आटा पसंद नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा बारीक जो आटा है वो हमें खाना नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आपको थोड़ा से आटा के जो दाने होंगे वो थोड़े मोटे मोटे दिखेंगे। तो अभी हम आधी साइड पर फ्रेंड्स यहाँ पर टमाटो सॉस लेंगे, वो हम लगा लेंगे। आपके पास लाल चटनी है तो आप वो भी लगा सकते हो। और बाकी के पार्ट पर हम लगा लेंगे फ्रेंड्स हमारी हरे वाली चटनी, जो कि मैंने घर पर बनाई थी, उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने हरी चटनी जो है इस पर लगा ली है। अब हमारा जो मिश्रण हमने बनाया था आलू का, वो हम इसके ऊपर रख लेंगे। कोई भी साइड पे आप इसको लगा सकती हो, लाल वाली साइड पे, हरी वाली साइड पे, कोई भी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे हरी चटनी के ऊपर रख लिया था और उसको अच्छे से ना हम लोग अच्छे से फैला लेंगे। और फ्रेंड दूसरी साइड को इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए इसको पहले तो अच्छे से दबा लेंगे साइड से। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे अच्छा सा डिज़ाइन बनाएंगे अपने फोक की मदद से। इससे क्या होगा कि खुलेगा नहीं, अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आलू निकल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आप क्या करें, इस आलू को आप हटा सकते हो। और देखिए हम इसको अच्छे से इस तरीके से दबा दबा के काफ़ी अच्छे सा डिज़ाइन बनेगा। अगर फट जाता है तो उसको आप अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अभी दूसरी वाली साइड है, इसको भी हम इसी तरीके से लगा करके इसके ऊपर इसको भी अच्छे से हम उसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जितनी भी रोटी और मिश्रण आपके पास है उसी हिसाब से आप उसको लगा करके अच्छे से अपने जो आपके जो समोसे हम बना रहे हैं या नाश्ता बना रहे हैं अपना, उसको हम सारों को सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सारा जो नाश्ता था वो तो हमने रेडी कर लिया था। यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर ना एक गिलास पानी डाल लिया था, उसको अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके ऊपर इस तरीके से झरनी होती है हमारे घर में चावल वगैरह छानने के लिए, वो रख ली थी। उस पर थोड़ा सा घी लगा लिया था ताकि हमारी जो हम इसके ऊपर नाश्ता रखेंगे वो चिपके ना। तो देखिए इस तरीके से करते हुए हम सारा जो नाश्ता फ्रेंड्स अपना, जितने भी पीसेज आपके बने होंगे सारे इसमें उसी हिसाब से कर लीजिएगा। ज़्यादा है तो दो बार में कर लीजिएगा, कम है तो एक बार में भी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से रख के इसको हम ढक देंगे यहाँ से 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट तक आपको उसको हाई फ्लेम पर आप इसको पका सकते हैं। पहले हाई फ्लेम रखिए और फिर उसके बाद 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे करके इसको अच्छे से हम पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके थे। तो अभी हम यहाँ पे इसको उतार के देखा, देखिए चिकना चिकना जब आपको दिखे ऊपर से, देखिए आपको दिख रहा होगा ना चिकना चिकना, तो ये अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनको हम निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। तो ये काफ़ी आराम से फ्रेंड्स ये निकल के आ जाता है, देखिए काफ़ी अच्छे से निकल गया था। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारा नाश्ता तो हमारा ठंडा हो चुका था, हमने इसे ठंडा कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पैन में के अंदर जो है ऑयल ले लिया था, तो हम इसे सैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को हेल्दी खाना पसंद होता है। आप चाहे तो उसको ऐसे भी खा सकते हो, या ऐसे भी काफ़ी अच्छा लगेगा हरी चटनी या लाल चटनी के साथ। लेकिन अगर आप इसे फ्राई करना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसको सैलो फ्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम इसे अलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसको उलट पलट के हमने अच्छे से पका लिया, और देखिए इतना अच्छा सा कलर आ, अच्छे से क्रंची भी हो चुका था। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स। आप किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हो। आपके घर में अगर बच्चे हैं ना तो आप उनको इनको टिफिन में भी पैक करके दे सकते हो, और बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि हमने ना तो इसमें मैदे का यूज़ किया ना ही कोई और चीज़ का यूज़ किया, सिर्फ आटे से हमने इसको बना करके रेडी किया है फ्रेंड। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर के ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसे लगी। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।